अस्पताल मेडिकल सिस्टम है इंडिया का, दुनिया का सबसे करप्ट सिस्टम है। न दवाई है, न जांच है, दवाई बाहर से मंगाए जाते हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार का ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। PMCH में कोई सुविधा ही सरकार की तरफ से नहीं, पैसा ही नहीं दिया जाता है, बस महल खड़ा है और उसके नाम पर ना आपको यहाँ पर बेड है, ना सफाई सुथरा है, ना स्ट्रेचर है, ना एम्बुलेंस है, ना दवाई है, ना जांच में 15 दिन तक बाहर में पेशेंट होते हैं, आर्थिक अभाव के चलते दिक्कत होती है। स्थिति इतनी बुरी है PMCH की, इतनी बुरी है बिहार के अस्पतालों की और बिहार के सरकारी अस्पतालों की, दुनिया में इससे ज्यादा नर्क कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए समय समय पर हम लगाते हैं ताकि लोगों को इकोनॉमिकल मदद भी मिल जाए, साथ साथ कम से कम संस्था व्यवस्था के साथ मिल करके कुछ अस्पताल को सुधारने का प्रयास भी किया जाए। नहीं लगता ऐसा कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल प्राइवेट अपना भी मनमानी कर रहा है आजकल हॉस्पिटल लोग? भैया पूरा के पूरा जो जिनका भी जिन डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक है वो यहाँ करना ही नहीं चाहते, देखना ही चाहते। उसके बाद आपको टेक्नीशियन नहीं मिलता, आप जाइएगा MRI का 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद बोलेगा आज छुट्टी पर है, आज नहीं आया, 2 घंटा के बाद लौट जाइए, आ जाइए। इमरजेंसी होता है लोग बाहर भाग जाते हैं, कई तरह के बहाने हैं। स्थिति विदारक है, सरकार की तरफ से दिलचस्पी नहीं है, फंडिंग नहीं है, दवाई नहीं है, जांच नहीं है, स्थिति काफी आम लोग परेशान है। इसीलिए हमें आपका सेवक आपके द्वार कार्यक्रम लगा करके डायरेक्ट आम लोग हमारे साथ डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं सारे लोग और हम लोग मिल करके काम करते हैं, लेकिन इनके पास कुछ होगा तब ना, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ होता ही नहीं, ये परिस्थितियाँ।